कूल कूल है। पानी में पैर फिसल जाते हैं। हाँ। और आप बारिश में भीगोगे? गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। और आज जब सुबह नींद खोली ना तो देखा बारिश हो रखी है, बहुत ठंडी ठंडी हवाएं चल रही, तो इतना अच्छा लगता है जब वेदर बहुत अच्छा होता है। और हमारे इंडिया की तो खासियत ही ये कि हर तरीके का वेदर हमको जीने के लिए मिलता है। गर्मी देखो तो बहुत ज़्यादा होती है, बारिश होती है, कभी सर्दी कभी गर्मी, तो इस तरीके की सारी चीज़ें एक साथ जीने को मिलती तो बहुत अच्छा लगता है। और जब ठंडा ठंडा मौसम हो जाता और भी मजा आता है खाने में, बनाने में और खिलाने में भी। एंड हम दोनों को तो बारिश में घूमने का भी बहुत शौक है, बट रुद्र को बिल्कुल भी पसंद नहीं। बाहर जाके बारिश अगर आ जाती है ना तो ये उस टाइम पे तो कॉपरेट कर लेता, बट इसे भीगना बिल्कुल भी पसंद नहीं। तो मैं सोचती हूँ कि ये भी यार मेरा साथ दे, हम दोनों साथ में एंजॉय करें। लग जाएगी बेटा, ऐसे फिसलते ये मेरी आईज पे लगाने का है, मास्क नहीं है। लेट जाओ, सोई सोई करो इसको लगा के। आज रुद्र भी मेरे साथ जल्दी ही जग गया था, हम 5:45 बजे तक जग गए थे। तो मैंने सोचा चलो आज पहले सफाई कर लेते, उसके बाद में ही ब्रेकफास्ट वगैरह कुछ बनाऊंगी। तो वेदर भी बहुत अच्छा हो रखा था, ये लोग एंजॉय कर रहे हैं साथ में। तो मैं यहाँ पे पहले बेडशीट चेंज करने लगी क्योंकि रूम अभी खाली है, बाद में लोग रिजर्व कर लेंगे ना, तो उससे पहले ये आए तो मैं पहले बेडशीट चेंज कर लेती हूँ। जबकि ये आ जाते ना फिर बेड पे बैठ जाते हैं तो फिर मैं नहीं चेंज कर पाती हूँ, फिर मेरे को टाइम लगता है जब ये जाते ना उसके बाद में ही मैं कर पाती हूँ। तो यहाँ पे मैं बेडशीट चेंज कर रही हूँ, मेरी तो बेडशीट बहुत जल्दी जल्दी गंदी हो जाती है, मैं तो हर 2 या 3 डेज में बेडशीट चेंज कर ही लेती हूँ। एंड अभी मुझे बाहर जाना था अपने फ्रेंड के घर पे, और मैंने देखा यार अपर लिप्स भी नहीं बनाई, तो पहले मैं अपर लिप्स बना रही हूँ बैठ के, फिर अदर वर्क करूँगी। और जब तक मेरे कपड़े भी यहाँ पे धुल गए, और बारिश यहाँ रुक चुकी है, बारिश में सबसे ज़्यादा टेंशन ही होती है कपड़े सूखने की, बट अभी मौसम ठीक है, हवा चल रही है, बारिश नहीं आ रही, तो मैंने सोचा पहले कपड़े सुखा देते, जल्दी से कपड़े सूख जाएंगे ना तो सब सही रहेगा, वरना तो कपड़ों में स्मेल हो जाती है। ब्रेकफास्ट में मैं बेसन के पकौड़े बना रही हूँ, जिसके लिए मैंने एक कटोरी बेसन लिया, हरा धनिया ऐड किया, जीरा ऐड किया, अजवाइन ऐड किया, हींग मैंने ऐड की है, साथ में मैंने इसमें थोड़ी सी हल्दी ऐड की है, 1 टेबल स्पून नमक ऐड किया, थोड़ी सी रेड पेपर ऐड किया, चिली फ्लेक्स ऐड किया, मिर्ची आप अपने अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हो, ग्रीन चिली भी ऐड कर सकते हो अगर आप अपने लिए बना रहे हो, बट रुद्र नहीं खाता तो मैंने ग्रीन चिली ऐड नहीं की। एंड पानी आप थोड़ा थोड़ा करके ऐड कीजिए, और इसे अच्छे से फेटिए, जितने अच्छे से आप फेटोगे ना उतना टेस्टी ये बनता है। तो मैंने इसको बना के 15 मिनट के लिए रख दिया, क्योंकि आफ्टर 15 मिनट जब आप बनाओगे ना तो ये स्पंजी फूले फूले और टेस्टी बनते हैं। एंड लास्ट में आपको क्या करना है, आफ्टर 15 मिनट जब बनाने लगो ना, थोड़ा सा इसमें बेकिंग पाउडर ऐड कर दो, जो बैटर आपने बनाया है ना उसमें मैं थोड़ा सा बेकिंग पाउडर ऐड करूँ, इससे बहुत ज़्यादा ही सॉफ्ट बनेंगे। कभी कभी तो लगता है कि हाउसवाइफ की लाइफ कितनी ज़्यादा डिफिकल्ट होती है, जैसे कभी कौन क्या ऑर्डर कर रहा है, हर किसी की पसंद का ध्यान रखो। जैसे कि आज वेदर अच्छा हो रखा था, इन्होंने बोला यार कुछ टेस्टी सा बना दो वेदर के अकॉर्डिंग, यार उस वक्त समझ में थोड़ी नहीं आता है, रात को पहले प्लानिंग करके सोते ये बनाना है और एकदम से सडन ऑर्डर मिल जाता है तो उसी के अकॉर्डिंग बनाना पड़ता है, फरमाइश से तो पूरी करना ही पड़ती है। क्या करें, तो मैंने बस फ्रिज में देखा क्या क्या रखा हुआ, उसके अकॉर्डिंग कुछ बनाऊंगी, तो मुझे यहाँ पे पनीर दिख गई, माई सेवियर, अभी तो आज मुझे सेवियर लग रही है कि इनके लिए बना दिया, इनको अच्छा लगेगा, वरना बोलेंगे तो मेरी पसंद का कुछ नहीं बनाती। एंड साथ के साथ मैंने चाय भी बनाने के लिए रख दी, क्योंकि जब तक पकौड़ी बनेगी ना मेरी चाय भी बन जाएगी। और मैंने कुछ अनियन वाली पकौड़ी भी बना रही, क्योंकि मुझे अनियन की भी टेस्टी लगती है। तो आप भी आ जाइए खाने के लिए, गर्मा गर्म पनीर पकौड़े, अनियन के पकौड़े एंड चाय आप लोगों के लिए भी। तो ये किस खुशी बनाया बर्थडे क्या आपका? आपने तो ऑर्डर किया था बारिश हो रही है, कुछ अच्छा सा टेस्टी सा बना लो, तो आपकी फरमाइश पे हमने आज आपके लिए पनीर के पकोड़े बनाए, आप टेस्ट करके बताओ कैसे बने। हैप्पी बर्थडे टू यू, मेरा बर्थडे था ही क्या बेटा, ऐसा कुछ स्पेशल फील हो रहा है, मेरे बेटे ने बता दिया अच्छे बने। कैसे बोल रहा मैं भूल गई, केचप लाना, चटनी लाना,
केचप वाला बाबू, केचप चोर है हमारा बेटा, तो केचप लेके भागी गई। बाबू इसमें टिप करके खाओ, पहले इसमें टिप करके केचप से खाओ। तो बस इस वीडियो का यहीं पे मैं एंड करती हूँ। हम लोगों की आज की मॉर्निंग कुछ इस तरीके से रही। आप लोग क्या करते हो बारिश वाले दिन, किस तरीके से एंजॉय करते हो, मुझे जरूर बताना आप लोग क्या क्या करते हो।